मैं सारा थापे की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। और फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ का जो सिलगढ़ी में गोरखे हाट लगता है वहाँ पे मैं आई हूँ, और ये मेरा तीसरा बार है यहाँ पे आना हुआ। तो आगे सप्ताह जो आई थी, तो उस सप्ताह से आगे दो बार आई थी, तो उससे ज़्यादा अभी ज़्यादा भीड़ है। और ज़्यादा भीड़ होने के कारण रौनक भी है, और यहाँ का जो भी नेपाली पहाड़ का सामान होते हैं वहाँ का खान पान होता है, तो वो सभी यहाँ पे मिलते हैं। तो इतना भीड़ है दोस्तों कि थोड़ा सा चलने में भी मुश्किल हो रहे हैं। यहाँ पे फूलों का पौधा है, यहाँ पे फूलों का पौधा बिक्री करते हैं। तो यहाँ पे है अचार, छोटा छोटा मछली होता है ना, उसी का अचार है। और देखिए, सब अपना अपना जो भी है स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो ज़्यादातर यहाँ का दुकान का जो सामान है तो ज़्यादातर वो बिक्री हो चुके हैं। तो ये रहे ग्रीन वेजिटेबल, तो ऑर्गेनिक। कितना हाथों का बनाया हुआ वो कारीगरी है, सिलाई बुनाई का काम है, तो वो भी बिक्री करने के लिए रखा है। ये मोमोज का स्टॉल है, मोमोज यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं। मोमोज तो आप लोगों के यहाँ पर भी बिक्री होते हैं, तो आजकल तो ज़्यादातर सभी जगह मोमो मिलते हैं। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं नेपाली टोपी पहनकर, तो हमारा ये संस्कृति का ये जो पहनावा है, नेपाली टोपी, चौबंदी चोली। अब तो शाम भी होने लगे है, ये घी रखा है और बहुत सारा सामान लगा है, मशरूम भी है।
दाल भी है और ये पहाड़ का जो साग है ऑर्गेनिक तो वो भी है और दाल वगैरह भी रखा है यहाँ पे। और ये है छुपी बोलते हैं इसको, तो गाय का दूध से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे खापसे भी है, खापसे बोलता है ये है छुपी और भटमास का अचार भी है वहाँ पे। नूडल्स भी रखा है और देखिए ये छोटा छोटा जो पैकेट में छुपी है ना वो लंबा में, वो लंबा में इस तरह का होता है, ये इस तरह का होते हैं तो इसके काट को काट के छोटे छोटे बनाया जाते हैं। और ये हाथों का काम है, कुर्सी से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादातर दुकानें तो ज़्यादातर सामान बिक्री हो गए हैं, लेकिन फिर भी भीड़ उतना ही है जितना सुबह होते हैं। तो सुबह के टाइम में तो और भी ज़्यादा भीड़ है, सुबह के टाइम में तो और भी ज़्यादा भीड़ होते हैं। ये हमारे नेपाली लोगों का ये खुकुरी है, देखिए हमारा नेपाली लोगों का हथियार ये खुकुरी है, जो हमारे नेपाली लोगों का इज्जत है, शान है। ये मॉल मत है, यहाँ पे तरह तरह के फूलों का पौधा बिक्री कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे गमले में रख के बिक्री कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल है। यहाँ पे सुंदर सुंदर बैग रखा हुआ है, देखिए डिजाइन डिजाइन का है और बहुत ही सुंदर है और मजबूत बैग रखा हुआ है। हाँ ये देखिए ऐसा है बैग, बहुत ही मजबूत है और सुंदर है। और जब भी आप लोग सिलगढ़ी घूमने आए ये हमारे गोरखा हाट में, तो ज़रूर एक बार यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पसंद आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारे नेपाली जाति का रोटी है, सेलरोटी बोलते हैं इसको, जो मैदे से और चावल के आटे से बनाते हैं इस तरह गोल गोल से, तो इसमें चीनी भी होता है और जो रोटी का मसाला होता है वो भी होते हैं। तो नेपाली लोग का जब भी किसी भी फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे ये बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और
लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे लाइन पे बैठी हूँ, तो जब मेरी बारी आएगा तो मैं भी लेके जाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं वीडियो कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरह से बनते हैं हमारे यहाँ का सेल रोटी बोलते हैं। और क्रिसमस में भी हम लोग ऐसे बनाते हैं। और यहाँ का नेपाली फेस्टिवल कुछ भी हो, शादी पूजा, तो उस टाइम भी ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोमोज का स्टॉल भी लगा हुआ है, तो लोग आराम से मोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। और इधर में हमारा सिस्टर मोमो बना रही है। और वहाँ का भीड़ देखिए, अभी शाम होने को है, थोड़ा थोड़ा करके वो ज़्यादातर स्टॉल तो ख़त्म हो गया है, दुकान तो बिक्री हो चुके हैं, अभी फिर भी भीड़ है। आने वाले लोग आ रहे हैं, जाने वाले लोग जा रहे हैं, और कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो कोई मोमोज चाउमीन और सेलरोटी दम आलू वैसे खा रहे हैं। और यहाँ पे मेन रोड है, देखिए जब भी हम लोगों को वापस जाना होता है तो यह से टोटो ऑटो करना पड़ेगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स मेरा तो ख़रीदारी हो गया, जो सेलरोटी मैंने लिया था वो भी बन गया। अब मैं वापस जा रही हूँ, बाज़ार भी घूम लिया, आगे जितना भी सप्ताह था जितना भीड़ था उससे ज़्यादा आज भीड़ है। इसी तरह से हर सप्ताह भीड़ बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। सभी भाषा भाषी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं अभी रखती हूँ और फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।